করলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার সবাইকে নিয়ে বার্তা দেন। তো আজকে অনেক কথার মধ্যেই উঠে এসছে যে কোনো নির্দিষ্ট ফুল নয়, পুরো একটা বাগিচা চাই, আর এই বাগিচা হচ্ছে ভারতবর্ষের মানচিত্র। সেই জন্য আমরা যখন নিজেদের আনন্দ করি, দুর্গাপুজো হোক, ঈদ হোক, সবাই মিলে পালন করি, সামনে সবাইকে খুশি ঈদের অনেক অনেক। আমি একটা শের দিয়ে শেষ করি, মন্দির মসজিদ গির্জায়ে, মন্দির মসজিদ গির্জায়ে বাঁট দিয়া ভগবান কো ধরতি বাঁটি সাগর বাঁটি আর 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 মত বাঁটো ইনসান কো, মত বাঁটো ইনসান কো, মত বাঁটো ইনসান কো। हेलो दोस्तों, आप जैसी वीडियो देख रहे हैं, ये वार्ड नंबर 37। आइए आपको बताते हैं, माह रमजान शरीफ आने वाला, उसी का लेके वहाँ वार्ड के काउंसलर सोमन चौधरी और पहल चौधरी की जानिब से जो है वहाँ की 40 मस्जिदों के इमाम साहब लोगों की हौसला अफजाई की कि रमज़ान से कबल उन लोगों का अप्लीकेशन वगैरह किया गया, क्योंकि इमाम जो मस्जिद में जो है रमज़ान के टाइम बिजी रहते हैं, माह रमज़ान शरीफ का दूर उसके बाद है। इसी का लेके पहल चौधरी और सोमन चौधरी जो वार्ड नंबर 37 के काउंसलर, उन लोगों इमाम साहबों को तमाम लोगों को तोहफा गिफ्ट वगैरह दिया गया ताकि वो लोग रमज़ान में जो है उन लोगों किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। प्याल चौधरी और सोमा चौधरी वार्ड नंबर 37 जो है ये 10 साल से करते चले आ रहे हैं इसी तरीके का, इमामों को एप्लीकेशन वगैरह देते हुए। आपको बताते चले, इसमें खास बात ये रहा कि यहाँ पे मिस्टर एमपी नदीमुल हक साहब थे, कारी शफीक कासमी साहब थे और कारी फजल रहमान साहब इमाम कलकत्ता खिलाफत कमेटी भी वहाँ पर मौजूद थे। उन लोगों का भी किया गया, उन लोगों ने काफ़ी बातें बताई आपको, जैसे वीडियो में नजर आ सकेगा। वहाँ पर तमाम इमामों को जो है उन लोगों का जो है खैर मकदम किया जा रहा है, उन लोगों को तोहफा दिया जा रहा है। प्याल चौधरी साहब ने कहा कि ये लोग 10 साल से इसी तरह करते चले आ रहे हैं। अब प्याल चौधरी जो है किसी के तारुफ के मोहताज नहीं, वो वहाँ पे वार्ड नंबर 37 में बहुत काम करते रहते हैं और खिदमत सबसे ज़्यादा करते हैं इसी तरह के इमामों की। ये पहले कलकत्ता में ऐसा पहला वार्ड है जहाँ पे इस तरीके का प्रोग्राम। आइए सुनते हैं और देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, जे के वी, कोलकाता न्यूज़। चौधरी और प्याल चौधरी की क्या कहेंगे इस खास मौके पर? भाई, हम तो इस प्रोग्राम से बहुत खुश हैं और बार बार हम यहाँ आए हैं। प्याल जी ने हमें बुलाया है और बहुत ही इसरार करके बुलाया है। आज भी हम एक प्रोग्राम छोड़ करके इनके प्रोग्राम में आए हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है कि इसमें इमामों को बुलाया जाता है और अइम्मा इस इलाके के आते हैं यहाँ और वो अपना खिताब करते हैं और प्याल चौधरी साहब उनका एज़ाज़ और इकराम करते हैं, उनको तोहफ़ा तहाइब से नवाजते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी खूबी की बात है और बहुत ही काबिल तारीफ़ कदम है इनका। हम इसके लिए इनको और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं। इस वक्त जो मुल्क में जो सूरत हाल है, लोग मजहब के नाम पर बटे हुए हैं और यहाँ पर एक प्याल चौधरी साहब ने जिस तरह से तमाम लोगों को यहाँ पर यकजा किया हजरत। जी जी, ये एक बहुत बड़ी जमहूरी कदरदानी की एक तहरीक है जो इन्होंने पैदा की है यहाँ। वैसे बंगाल तो खुद पुराना जमहूरी स्टेट है और यहाँ संप्रति की को माना जाता है, लोग मिलजुल के रहते हैं, हर एक के दुर्गा और हर एक के खुदा को मानते हैं और उनके प्रोग्रामों में जाते हैं, उनसे मिलकर बैठ के बातें करते हैं। बंगाल में कोई भेदभाव नहीं है। 37 नंबर वार्ड जिस हिसाब से यहाँ पे इमामों को फेलिसिटेशन किया गया, इस तरह का कलकत्ते में मेरे ख्याल से ऐसा देखने को नहीं मिला, कहीं नहीं मिलता। हमने तो अपने बयान में ये बात कही है कि लोगों को ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए और उसमें रमज़ान से पहले अइम्मा इकराम को बुलाना चाहिए, उनका एजाज़ और इकराम करना चाहिए और उनको तोहफ़ा तहाइब भी पेश करना चाहिए, क्योंकि एक महीना तक उनको मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ानी पड़ती है और उसमें उनको वक्त देना पड़ता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि अइम्मा इकराम का एहतराम करें। सामने रमज़ान हज़रत, क्या पैगाम देंगे उसके लिए? रमज़ान के लिए तो ये है कि मुसलमान बड़ी तादाद में रोज़ा रखें और रोज़ा को न छोड़ें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म नहीं मानने से अल्लाह का अज़ाब आता है, इसलिए अगर अज़ाब से बचना है तो अल्लाह के हुक्म को मानना होगा। यहाँ की काउंसलर एक ख्वातीन है और इतना बड़ा प्रोग्राम लिया गया, इससे क्या पैगाम जा सकता है? ये बहुत खूबी की बात है, पूरे बंगाल में ये प्रोग्राम जाना चाहिए कि भाई एक औरत काउंसलर ने इतना बड़ा कदम उठाया है और बराबर वो इस तरह के प्रोग्राम को करती रहती हैं। ये इससे जमहूरियत का, यकजहती का, आपस के मेलजोल का पैगाम जाता है। देखा गया है कि प्याल चौधरी जो है वो सेकुलर नेता के तौर पर उभर कर आए हैं और इनका ये प्रोग्राम कितना मायने रखता है तमाम लोगों के लिए? तमाम लोगों के लिए इनका प्रोग्राम एक मशाले राह है, एक सिंपल है जिस पर अमल करना चाहिए लोगों को,
ये पियाल चौधरी ने ये कदम उठाकर लोगों को एक पैगाम दिया है। इस ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सदर श्री पियाल चौधरी। देखिए पहली दफा नहीं, यहाँ बोले 9 साल से हो रहा है, लेकिन ये हमने जो कहा भी स्टेज पर वही कि अगर हर वार्ड में इस तरह से बुला कर करके इलाके के उलमा कराम की इज्जत अफजाई की जाए, चाहे रमजान का महीना हो चाहे ईद का मौका हो, बहुत अच्छा होगा, आपको अच्छा लगेगा। और कोई भी काउंसलर ऐसा करता तो मैं उस प्रोग्राम में जरूर जाऊंगा। यहाँ से लोगों को क्या मैसेज देंगे जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं? यहाँ देखिए मोहब्बत बांटने की कोशिश की जा रही है, ये तो है ही कोशिश है। यहाँ पर कौमी यकजहती सेकुलरिज्म का यहाँ नमूना है कि यहाँ के काउंसलर और उनके हम शरीक ये प्रोग्राम सोच कर करके इसको ऑर्गेनाइज किए, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग को इसका खैर मकदम करना चाहिए। मैं सबको मेरे दिल से रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पियाल चौधरी साहब के लिए फ़िलहाल अभी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि ये एक अभी जैसे कि वालिद मोहतरम साहब ने फरमाया ये एक सैंपल है, इन्होंने ये एग्ज़ाम्पल पेश किया है कि हमारे हर वार्ड में वार्ड काउंसलर को इस तरह का इकदाम उठाना चाहिए, क्योंकि ये रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है और इससे पहले हमारे जितने भी अइम्मा इकराम हैं जो मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ाते हैं उनके लिए फेलिसिटेशन यानी उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उनको तोहफ़ा तहाइफ देना, ये इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको देखने के बाद और भी वार्ड में इस तरह का प्रोग्राम इंशाल्लाह किया जाएगा। দেখুন এটা তো নতুন কিছু নয়, আমাদের 10 বছর ধরেই হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যে এখানে থাকি যে ওয়ার্ডটায় বিভিন্ন জাতির মানুষ বসবাস করেন এবং আমরা একটা পরিবারের মতো থাকি, তো পরিবারের প্রত্যেকের প্রত্যেকটা দিকে উৎসব হোক দুঃখ হোক আনন্দ হোক সব কিছুতেই আমরা একসাথে পার্টিসিপেট করি। আর এই প্রোগ্রামটা বিশেষ করে এর মধ্যে দিয়ে অনেক বড় বড় মানুষের কারি সাহেবের মতো সফি সাহেবের মতো মানুষের পদধূলি আজকে আমার 37 নম্বর ওয়ার্ডে পড়েছে। এই জন্য আমরা আমি কেন পিয়াল চৌধুরী কেন ওটা 37 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ আজকে ধন্য। এই মোদী 10 বছর থেকে আপনারা এইটা অনুষ্ঠান করছেন, আইডিয়াটা কার ছিল, দাদার না আপনার? অবশ্যই দাদার, কারণ দাদা সব সময় তার 10 বছর নয় 40 বছরটাই তার ডেডিকেটেড পুরো মানুষের পাশে মানুষের সাথে থেকে। আজ অবধি কিন্তু সামান্য ব্লক প্রেসিডেন্টই আছেন, কিন্তু 40টা বছর সে ডেডিকেট করেছে মানুষকে। এটা আমি আমার থেকে বুম সরিয়ে আপনি যাকেই বলবেন সেই বলবে, রাত 3টের সময় বাড়িতে বেল বাজে, ভোর 4টেতেও বাজে, রাত 2টোতেও বাজে। দিদি রমজান মাসে অনেকেও মানে গরিব মানুষরা যারা আয় করতে পারে না বা যার কাছে পয়সা নেই কেনাকাটা করার জন্য তাদের জন্য কিছু আপনি চিন্তা? নিশ্চয়ই আমরাও চিন্তা করেছি এবং আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের উনি একজন নেত্রী যিনি সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে চলেন এবং ওই যে বললেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার সবাইকে নিয়ে বার্তা দেন, তো আজকে অনেক কথার মধ্যেই উঠে এসছে যে কোনো নির্দিষ্ট ফুল নয় পুরো একটা বাগিচা চাই, আর এই বাগিচা হচ্ছে ভারতবর্ষের মানচিত্র। সেই জন্য আমরা যখন নিজেদের আনন্দ করি দুর্গাপুজো হোক ঈদ হোক সবাই মিলে পালন করি, সামনে সবাইকে খুশির ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাবো। ঈদের ঈদ মিলন করবো এবং আমরা চেষ্টা করব কিছু ঈদের আগে মানুষকে যদি কিছু আমরা সাহায্য করতে পারি, কারণ আমি সাহায্য কথাটা ঠিক মানে আমি বিশ্বাসী নই, আমরা যদি পাশে দাঁড়াতে পারি। আর একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেলাম যে অনেকেই এখানে বললেন সবাই বললেন বসে, আমি কাউকে দুঃখ দেওয়ার কথা বলছি না, কিন্তু আমি দেখেছি আমরা যখন অনুষ্ঠানটা করি অনেকে অনেক কথা বলে যে ইমাম সাহেবদের নিয়ে প্রোগ্রাম কেন হচ্ছে। তো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি মনে করি আমরা সাকসেসফুল, আমরা করতে পেরেছি। এবং আমি তো বলবো প্রত্যেক ওয়ার্ডে আজকে ভারতবর্ষে আমি রাজনীতির কথা বলতে চাই না, লেকিন আজ সারা ভারতবর্ষে যা হচ্ছে আমার মনে হয় এই ধরনের কাজ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে হওয়া উচিত, তাহলে মানুষ ভালো থাকবে, মানুষকে বোঝানো যাবে যে মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই, নো হিন্দু নো মুসলিম
नो क्रिश्चियन नो हिंदुस्तानी, वी आर ऑल इंडियंस, इट इज सच। तमाम मस्जिदों के इमाम को बुला के जो तोहफा देते दादा, ये आइडिया कैसे आया था सबसे पहले ये बताओ? पहले बात तो देखिए, ये तोहफा नहीं है, ये तो मैंने इज्जत बख्शा और बचपन से हम लोग ये सीखा पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने का, आगे भी बाद भी हर धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब मैं पॉलिटिक्स में हूँ और हम लोग का ये जो 37 वार्ड इस कॉस्मोपॉलिटन वार्ड, हिंदू मुसलमान हिंदुस्तानी क्रिश्चियंस सब लोग है, यह मस्जिद है, यह मंदिर है, यह चर्च भी है, तो हर साल हम लोग, ये मेरा 9वां साल है, 9th ईयर, मैं ये समझता हूँ जैसे अभी कारी साहब ने बोले जे एक महीना आप लोग रोज़ा में चले जाएंगे, मस्जिद में इमाम साहब लोग तलाबी नमाज़ पढ़ाएंगे, तो कुछ नहीं, खाली हौसला अफजाही करना, आप लोग हम लोग है आप लोग का साथ, और सोशल वर्क बोलिए और राजनीति बोलिए, है तो सोशल वर्क, नाम दिया जाता है राजनीति, और समाज का सेवा नहीं होगा, आम जनता का अगर सेवा नहीं होगा तो कोई बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए मैं हर साल ऐसा करता हूँ। और आज का दिन ये मेरा गुल मैदान में खड़ा होके हम लोग के बीच कारी साहब है, अल्लाह से इतना शक्ति मांगूंगा जे हर साल हम लोग ये काम कर पाए और आपका सेवा कर पाए। आपको मुबारकबाद देते हैं, आप इस तरह का प्रोग्राम कलकत्ते में पहला ये वार्ड है जो इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है, ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और क्या पैगाम देने मांगिएगा पब्लिक को, आपके यहाँ के वोटर्स को? देखिए, ये मेरा पॉलिटिकल प्रोग्राम तो नहीं है, पहले ये इधर में कोई वोटर का बात नहीं आते हैं, क्योंकि ये तो खाली रोज़ा रमज़ान को रखते, माह रमज़ान मुबारक, जब आपका रमज़ान अच्छा कटे, रोज़ा अच्छा कटे, और एक महीना बाद जब ईद आए उस दिन भी आपका अच्छा कटे। दादा, आपके जो साथी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में भरपूर मदद किया दादा, उनके लिए क्या बोलेंगे दादा? बुझलाम दादा, आपके साथ में जितने नौजवान लड़का लोग थे, देखिए नौजवान लोग तो मेरा ज्वेल है, कुछ नहीं बोलना है, और सबसे बड़ी शक्ति बोलिए हम लोग का शक्ति, आज जब पावर हम लोग का मिला, ये हम लोग का काउंसिलर श्रीमती सोमा चौधरी जो हम लोग का पार्टी से बिलोंग करती है, और ये हम लोग का 10th ईयर चल रहा है, तो अगर हम लोग जीत नहीं पाते, अगर हम लोग कम करने का मौका नहीं पाते, तो ये सब करने का हम लोग का चांस भी नहीं मिलता, इसीलिए सबसे मैं बोलूँगा हम लोग है आप लोग का साथ, आप लोग आपका धर्म निभाइए, क्योंकि हम लोग का नेत्री ममता दीदी ने बोला धर्मो सबर धर्मो जार जार उत्सव सबर। आगामी दिनों एरकम থাকবেন আরাম থাক একই বার্তা দেবেন স্যার? হ্যাঁ একই বার্তা দেবেন দাদা, এখানে আবার সামনের বছর করব ইশাবাদ, কেন অল্প সময় কারি সাহেব অনেক কিছু বলতে পারতেন, অনেক কিছু বলতে পারলেন না, লাস্ট আমি একটা শের দিয়ে শেষ করি, মন্দির মসজিদ গির্জায়ে, मंदिर मस्जिद गिर जाए, बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटी, और मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। प्रोग्राम खूब सुंदर हो अल्हम्दुलिल्लाह, खूब ही भलो इटा प्रोग्राम माध्यम एक मैसेज दीते चाची, जाति धर्म निर्विशेषे एकसाथे थकते चाह, से हिंदू होक जैन होक ख्रिश्चान होक मुस्लिम होक, हमें चाह सबाई एकसाथे थकब, ये इच्छा, एवं आजकल मैसेज इटा दीते चाह যে সারা ভারতবর্ষের মানুষ বুঝুক এবং জানুক যে 37 নম্বর ওয়ার্ডের মাননীয় পিয়াল চৌধুরী সাহেব সুন্দর একটা পাইগাম দিয়েছেন, সুন্দরভাবে একটা মেসেজ দিয়েছেন, মেসেজের মাধ্যমে আজকের আমরা উপকৃত এবং আমরা একে একসাথে থাকতে পারবো, আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই, এটাই মেসেজ দিয়েছে ইমামদের আইম্মা মাসাজিদদেরকে নিয়ে মাননীয় পিয়াল চৌধুরী সাহেব কিংবা সোমা চৌধুরী সাহেব কিংবা 37 নম্বর ওয়ার্ডের যত কর্মীরা আছেন, যত মুসলিম কিংবা হিন্দু সকলে মিলে আমরা একসাথে এক জায়গায় বাস করতে চাই কাঁধে কাঁধ দিয়ে, এটাই আমাদের মেসেজ আজকের পাইগাম, এটাই।